हेलो गाइज वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु आज मैं आपके साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं ऑलरेडी हम कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्वेंटी क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज़ आल्सो रेफर्ड एज डी ए एस डी के नाम से जाना जाएगा इसको डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर डी ए एस डी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो डी ए एस डी का फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेजर प्रिंटर है वो किसका एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर एक इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर के नाम से जाना जाता है लेजर प्रिंटर को किस नाम से जाना जाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर के नाम से जाना जाएगा तो एक नोटिफिकेशन बता दूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें करेक्ट गुरु के नाम से पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो रेफर्ड एज जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको रेफर्ड किसके द्वारा किया गया है डेस्कटॉप टॉप माइक्रोज जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको डेस्कटॉप माइक्रोस के नाम से रेफर्ड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बुलन ऑपरेटर ऑफ द इंटरनेट आर जो बुलन ऑपरेटर हैं वो इंटरनेट के क्या क्या हैं ये टोटली totally सभी होंगे एन ए एन डी नोट और एक्स और ए डी जे एंड आल ऑफ अबो इसका राइट आंसर होगा बुलन ऑपरेटर में इंटरनेट के सारे पार्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एल ए टी स्टैंड फॉर एल ई टी का फुल फॉर्म क्या होगा एल ई टी का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया ट्रांसपोर्ट एल ई टी का फुल फॉर्म होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल ई टी का फुल फॉर्म क्या होगा लोकल एरिया ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी डी बी सी डी स्टैंड फॉर बी सी डी का फुल फॉर्म क्या होगा बी सी डी का फुल फॉर्म होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल ये बी सी डी का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बी सी डी का फुल फॉर्म होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्स्ट कार्ड वर यू इंट्रोड्यूस्ड बाय बाई कार्ड एक सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर और उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है हॉल रीथ एच ओ डबल एल ई आर आई टी एच होलरीथ इसका राइट आंसर होगा पंस्ट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था इन वैज्ञानिक ने वन बाइट इज इक्वलेंट टू वन बाइट किसके बराबर होगा वन बाइट एट बीट्स के बराबर होगा एक वन बाइट होगा वो एट बीट्स के बराबर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी नंबर ऑफ बट्स इन ए वर्ड इज़ नोन एज जो नंबर ऑफ बीट्स होंगे वो इसके वर्ड के अंदर नोन होंगे वो उसको क्या नाम से जाना जाएगा नंबर ऑफ बट्स इन ए वर्ड इज नोन एज वर्ड लेंथ के नाम से जाना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स अगर किसी भी चीज़ को टैब्स के अंदर फॉरवर्ड करने के लिए कौन सी की दवाई जाती है कंट्रोल प्लस टी ए वी दबाया जाता है प्रेस किया जाता है कंट्रोल प्लस टी ए बी को प्रेस किया जाता है मूव फॉरवर्ड के लिए कंप्यूटर के अंदर एंड इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए ए पर्सनल कंप्यूटर ए मोडम ए डायल एप टेलीफोन लाइन इस सभी ऑल ऑफ अबो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत होगी और मोडम की जरूरत होगी और डायल एप टेलीफोन लाइन की भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मिलियन बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज एब्रीवेट एज वन मिलियन बाइट इन्फॉर्मेशन है उसको एब्रीवेट किया गया है किसके द्वारा एम बी के द्वारा वन मिलियन बाइट को एम बी के द्वारा जी बी को गीगा बाइट और केबी को किलो बाइट और ये बीट ये कंप्यूटर का सबसे छोटा मतलब पार्ट है वट डज एस एन एम पी स्टैंड फोर एस एन पी एस एन एम पी का फुलफॉर्म होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस एन एम पी स्टैंड फोर एस एन पी का फुलफॉर्म होगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी ओड वन आउट इसमें ओड क्या है सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ये एक ही फैमिली से है और डिजिटल कंप्यूटर है ये ओड है सबसे। और, है और नेक्स्ट क्वेश्चन विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वी एल एस आई और इसका कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है फोर्थ जनरेशन के अंदर इसके अंदर यूज हुआ है एस एल आई पी एस एल आई पी का फुलफॉर्म क्या होगा एस एल आई पी का फुलफॉर्म होगा सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल एस एल आई एस एल आई पी का फुलफॉर्म होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेजर प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर आउटपुट का एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है वो है प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डाटा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डाटा uh, स्टोर हो सकता है वो क्या है उसको क्या नाम जाना किस नाम से जाना जाएगा डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होगा और सीडी का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और सीडी का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क और मोर डाटा स्टोर कौन करेगी डीवीडी नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज के नाम से जाना जाएगा ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाएगा असेंबली लैंग्वेज को ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ये थे ट्वेंटी क्वेश्चन कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर का ये सेकंड पार्ट था ऑलरेडी हम कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा करेक्ट ग्रुप प्रेस दि सब्सक्राइब बटन फॉर मोरअप